मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में तीन तलाक कानून पास होने के बाद से ही बीजेपी पर निशाना साधे जाने लगा है। कई विपक्षी तीन तलाक के पक्ष में है तो कई विरोध में। कुछ बीजेपी सहयोगी पार्टी ही तीन तलाक के खिलाफ थे। देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया, परंतु इस तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तीन तलाक कानून को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक को दंडनात्मक अपराध बनाने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय विचार करने के लिए सहमत हो गया है। तीन तलाक कानून के खिलाफ तीन अलग अलग याचिकाएं दायर हुई हैं। शुक्रवार को जस्टिस एनवी रमन की कोर्ट ने तीन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद केंद्र को नोटिस दिया, जिसमें द मुस्लिम वुमेन यानी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट के 2019 ट्रिपल तलाक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जो तत्काल ट्रिपल तलाक को अपराध मानता है। पीठ ने वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद से कहा, हम इसकी जांच करेंगे। खुर्शीद ने पीठ को बताया कि इस प्रथा को दंडनीय अपराध बनाने वाले और 3 साल तक की जेल की सजा सहित कई आयाम हैं, जिनकी शीर्ष अदालत द्वारा जांच की जानी जरूरी थी। कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए और सरकार और विभिन्न मंत्रालयों को नोटिस जारी करते हुए दहेज से निपटने वाले कानूनों का उदाहरण दिया। गुरुवार को इस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिका जमीयत उलमा ए हिंद ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस कानून से संविधान के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन होता है। याचिका में मुस्लिम महिला कानून 2019 को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वकील एजाज मकबूल के माध्यम से दायर इस याचिका में दावा किया गया है कि चूंकि मुस्लिम शौहर द्वारा बीवी को इस तरह से तलाक देने के पहले ही अमान्य और गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है, इसलिए इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले केरल में सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और धार्मिक नेताओं के संगठन समस्त केरल जमीयत उलेमा ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध करते हुए इसकी संविधानिकता को चुनौती दी थी। बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए कई ऐसे बड़े फैसले ले रही है जिन पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रिपल तलाक के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस चुनौती के चलते बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक YouTube चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही YouTube चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया YouTube चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।